राजस्थान में एक चेन स्नैचर को भीड़ ने पीट दिया। भीड़ के हत्थे चढ़े इस चोर को पीटने का वीडियो इस वक्त खूब वायरल हो रहा है। झुंझुनू जिले के पिलानी कस्बे में एक चेन स्नैचर को भीड़ ने पकड़ कर पीटा। घटना कस्बे के पंचदेव मंदिर के पास की बताई जा रही है। यहाँ एक मंदिर के पास एक महिला के गले से चेन छीन कर भाग रहे बदमाश को लोगों ने पकड़ लिया। उसके बाद इसकी धुनाई कर दी गई। हालांकि चेन वापस मिल जाने पर महिला की तरफ से कोई मामला दर्ज नहीं कराया गया, लेकिन पुलिस ने चेन स्नैचर को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में एक बड़ा हादसा हो गया। यहां पर सड़क पर खड़ी एक लग्जरी बस देखते ही देखते जलकर खाक हो गई। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली में सोमवार को एक लग्जरी बस में आग लग गई। जब यह हादसा हुआ उस वक्त बस सड़क पर खड़ी थी। बस में आग लगते ही आसपास अफरा तफरी फैल गई। हादसे की सूचना तुरंत फायर ब्रिगेड को दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बस लगभग पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। अभी तक आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। हरियाणा के फरीदाबाद में बदमाशों ने एटीएम कैश वैन लूटने की कोशिश की और विरोध करने पर गार्ड को गोली मार दी। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। हरियाणा में सरकार के लाख दावों के बावजूद अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे। ताजा वारदात फरीदाबाद के सेक्टर 23 की पुलिस चौकी के पास हुई। बाइक सवार बदमाशों ने एटीएम कैश वैन को लूटने की कोशिश की। कैश वैन में मौजूद सुरक्षा कर्मी ने जब लूटपाट का विरोध किया तो बदमाशों ने उसे गोली मार दी और भाग निकले। घायल सुरक्षा कर्मी को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। पुलिस को घटनास्थल के पास से सीसीटीवी फुटेज मिला है, जिसके आधार पर बदमाशों की तलाश की जा रही है। पड़ोस की एक गली के सीसीटीवी में पुलिस ने बदमाशों को भागते हुए देखा है। सीसीटीवी में बदमाश भागते हुए एक घर के अंदर घुसता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्नाव रेप पीड़ित के साथ हुए कथित सड़क हादसे में पुलिस ने जेल में बंद बीजेपी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर समेत 10 लोगों को नामजद किया है। एफआईआर में हत्या और हत्या की कोशिश की धाराएं लगाई गई हैं। माना जा रहा है कि आज यूपी सरकार दुर्घटना की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश कर सकती है। उन्नाव रेप पीड़ित हादसे के मामले में पुलिस ने हत्या और हत्या की कोशिश समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पीड़ित के चाचा की शिकायत पर दर्ज एफआईआर में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर समेत 10 लोगों को नामजद किया गया है, जबकि 15-20 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया है कि यदि पीड़िता की माँ या उसके कोई भी रिश्तेदार अगर सीबीआई की इंक्वायरी की डिमांड करते हैं, उनकी मांग करते हैं, तो राज्य सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं है। रेप पीड़ित परिवार के साथ हादसे को विपक्षी दलों ने साजिश बताया है। प्रियंका गांधी और मायावती ने ट्वीट कर यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया, जबकि लोकसभा में समाजवादी पार्टी ने ये मुद्दा उठाया। मैंने इस घटना पर जो एक्सीडेंट हुआ था उस पे ये कहा था कि सीबीआई की जांच हो। हालांकि ये पूरा केस सीबीआई देख रही है, लेकिन घटना जिस तरीके से हुई है उसकी भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। यूपी की महिला कल्याण राज्य मंत्री स्वाति सिंह ने अस्पताल में पीड़िता के परिवार के लोगों से मुलाकात की। डॉक्टर से भी हमारी बात हुई है, सब बढ़िया से बढ़िया उपचार हो रहा है, किसी तरह की कोई कमी नहीं है, ना उपकरण की कमी है, ना कोई इलाज की कमी रही है, और परिवार भी संतुष्ट है, उस जो भी इलाज हो रहा है उससे संतुष्ट है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार जो भी इलाज होगा उस मुफ्त में इलाज हो रहा है, उनको कोई खर्च उनका वो वहन नहीं कर रहे हैं। सड़क हादसे में घायल रेप पीड़ित और उसके वकील का लखनऊ के केजीएमयू में इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक दोनों की हालत नाजुक है। दुर्घटना में मारे गए उन्नाव रेप पीड़ित के दो रिश्तेदारों के अंतिम संस्कार को लेकर उन्नाव में भारी सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। दूसरे जिलों से भी पुलिस बल मंगाया गया है। पुलिस वालों के साथ बैठक के बाद खुद आईजी भी उन्नाव में डेरा डाले हुए हैं। पुलिस एफआईआर में नामजद ज्यादा से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। पीड़ित परिवार ने मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है।